हरे कृष्णा दोस्तों आप सभी को। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ इस्कॉन टेम्पल, जो कि नेहरू प्लेस के पास पड़ता है। अगर आप आओगे ना तो आपको कहीं उतरना नहीं है, आपको डायरेक्ट नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पर उतरना है और यहाँ से 4-5 मिनट का रास्ता है, ठीक है। आप ऑटो से भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो, तो हम तो फिलहाल पैदल जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस्कॉन टेम्पल घुमाने वाला हूँ। पता है ये दिल्ली में पड़ता है और मैं दिल्ली में रहते हुए ना आज तक कभी आए नहीं यहाँ पे। अब ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं इस्कॉन टेम्पल जा रहा हूँ। तो आ जाओ आपको घुमाते हैं और हम भी घूमेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि जब भी मैं ब्लॉग वगैरह अपलोड करूँगा वो आपको मेरी वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास जाएगा डायरेक्ट नोटिफिकेशन कि सोनू सिन्हा ब्लॉग ने वीडियो अपलोड की है, तो उसे प्लीज़ देखिए। तो आपको एक बात बताएं, हमेशा ना मैं ज़्यादातर कैप वगैरह लगा के रखता हूँ, बट अगर आप मेरी वीडियो देखते होगे तो, और जो नहीं देखते उनको मैं बता दूँ कि मैं ज़्यादातर कैप लगा के रखता हूँ। और आज क्या हुआ कि आज नहीं मतलब एक दो दिन से ना मेरा कैप मिल ही नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ मम्मी ने रख दिया है कि मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए अभी बाल मेरे बिखरे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक नया कैप खरीद लूँ और उसके बाद बाल सेट हो जाएंगे। तो अगर रास्ते में देखता हूँ, रास्ते में अगर मिला कोई कैब वाला तो कैब एक लेते हैं, है ना भाई। देखो आप लोग आओगे ना तो ये पार्क का नाम है, तो इसके अंदर से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एंट्री है और यहाँ से आपको पैदल चलते चलते जाना पड़ेगा। ये चारों तरफ पार्क है, हरियाली छाई हुई है और हमारे साथ है शिवम भाई। कुछ कहना चाहोगे भाई, आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना? हाँ भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं। है ना, अरे दिल्ली में रहते हुए भाई मतलब सुना तो था लेकिन कभी आए नहीं थे। आप भी नहीं आए थे? मैं भी नहीं आया, आप ही के साथ आए हैं। हाँ, तो शिवम भाई और मैं हम दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद ना मतलब इस पार्क में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम वृंदावन में आ चुके हैं। मतलब वृंदावन में काफ़ी सारे हैं ना ऐसे पेड़ पौधे वगैरह, तो उस टाइप की फीलिंग्स आ रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, है ना, हाँ हरियाली है ज़्यादा, हरियाली है ज़्यादा और मतलब सुकून सा मिल रहा है, एक इस टाइप का लग रहा है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे, लगभग हम निकले थे घर से 12 बजे और 3 बज गए हैं, तो हम 3 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। 3 घंटे का टाइम लग गया लगभग, है ना। आगे वो बंदा चलते हैं, तो हम आगे इसके अंदर अभी और अंदर जाने का रास्ता पूछना पड़ेगा शिवम भाई। मेरे ख्याल से उधर से एंट्री गेट सामने से, हाँ आगे पूछते हैं। तो अभी मैंने पूछा था इनसे, तो इन्होंने बोला कि अभी मंदिर बंद है, 4:15 पे खुलेगा और अभी 2:00 लगभग 53 मिनट हो रहे हैं, तो अभी हमें 1.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो जब तक सोच रहा हूँ कि आपको मंदिर के बाहर का दिखा दूँ, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण जी बने हुए हैं जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ बाहर के मंदिर के बाहर बाहर आपको घुमा दूँ, फिर मंदिर के अंदर लेके जाऊँगा। लगभग 4:30 बजे वही खुलेगा, मतलब 4:15 पे। तब तक वेट करते हैं और बाहर का आपको मैं घुमा देता हूँ। पता है पसीने बहुत हो रहे हैं यार, आप देख रहे हो ये कितने पसीने रखे हैं। और शिवम भाई का तो वो देख लो, हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा उमस है आज, गर्मी ज़्यादा ही हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं मंदिर के बाहर का घुमा देता हूँ, उसके बाद आपको ले चलूँगा मंदिर के अंदर। फिलहाल आप ये देखो, फिलहाल ये मंदिर के बाहर का हिस्सा है पूरा। वाह, यहाँ पे पानी का भी बना रखा है। छोटा सा पार्क है भाई ये, हाँ भाई शिवम भाई, छोटा सा पार्क बना रखा है, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया है ना, बढ़िया भाई। लेकिन ये पानी का क्या होता है ये नहीं पता यार, ये पानी मतलब पूरा भरा पड़ा है, यहाँ तक भरा पड़ा है। तो ये है मंदिर के बाहर का सीन, अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया है। और मैं आपको दिखाता हूँ श्री कृष्ण जी को, जब उन्होंने पानी में, जब उन्होंने पानी में कालिया नाग को जब उन्होंने मारा था ना, मार के भगाया था, तो ये देखो यहाँ पे
भाई अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाई अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शांति मिल रही है ना काफी? शांति ज्यादा ही है ना? हाँ। और पानी में सिक्के भी पड़े हुए हैं, इतने सारे सिक्के पड़े हैं, देख रहे हो? मन्नत है पूरे। एक मंदिर खुल चुका है और हम यहाँ पे बैठे हुए थे लगभग 2 घंटे से, और अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। देखो सारे लोग जा रहे हैं, उस टाइम जब हम आए थे ना तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट अब काफ़ी भीड़ है। आवाज़ आ रही है घंटे की, देखो। मैं भी बजा दूँ, कैसे बजेगा? अभी मंदिर खुलने में लगभग 15 मिनट है, जब तक सारे लोग बैठे हुए हैं। ये ऊपर मंदिर में काम चल रहा है इधर। और ये सामने जो है ना, यही गेट खुलेगा। तो आपने अंदर से दर्शन कर लिया, और यह है मंदिर के सामने का नज़ारा। तो दोस्तों आपको मैंने दर्शन भी करा दिए और मंदिर भी घुमा दिया लगभग पूरा का पूरा, ठीक है। तो आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि घर जाएंगे तो 2-3 घंटे लगेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।